कितने चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है, दोस्तों ये कोई नहीं बता सकता। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ये मैं जरूर बता सकता हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर का कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 45 डेज में कैसे 11th एंड 12th क्लास के पोर्शन को कंप्लीट किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। दोस्तों 45 डेज काफी कम टाइम है, मैंने टारगेट किया है थर्ड अटेम्प्ट को, जहां जेईई मेंस की थर्ड अटेम्प्ट को मैंने टारगेट किया है और साथ में बोर्ड्स को टारगेट किया है। ये हमारा परफेक्ट क्रैश कोर्स है जो 45 डेज में कंप्लीट होगा, 45 डेज में कंप्लीट होगा। और केमिस्ट्री की क्लासेस मैं लूंगा जिसमें 45 डेज में 11th एंड 12th क्लास के पोर्शन को कवर करवाया जाएगा, जहां उस पोर्शन को कवर किया जाएगा जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो रोजाना 9 AM सुबह 9 बजे होगी रसायन लीला, होगी रसायन लीला जिसमें होगी मेरे साथ आपकी मुलाकात। आना ना भूलें, तभी आप केमिस्ट्री को फोड़ पाएंगे, मचा पाएंगे केमिस्ट्री में, जेईई मेंस एंड बोर्ड्स में केमिस्ट्री में आप बिल्कुल परफेक्ट हो पाएंगे अगर आप ये सभी लेक्चर्स अटेंड करते हैं। इस सीक्वेंस में हमें चैप्टर्स को कवर करना है। देखिए सबसे पहले हमने 12th क्लास के पोर्शन से ही स्टार्ट करना होगा ताकि बोर्ड्स में भी आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ पाए और आप बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर पाए। इस प्रकार से देखिए सीक्वेंस रहेगा चैप्टर्स का, नोट कर लीजिए। इसके बाद 11th पोर्शन स्टार्ट करना होगा, 12th पोर्शन के बाद 11th पोर्शन को स्टार्ट करेंगे और लास्ट में मैंने ऐसे चैप्टर्स को रखा है जिनमें टिपिकली काफी कुछ याद भी करना होगा, एग्जाम पास होगा और मेरे साथ साथ आप याद करते चलेंगे एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर पहले ही इन चैप्टर्स को कवर किया जाए भूल जाएंगे आप, तो देखिए इसलिए मैंने इन चैप्टर्स को लास्ट में ही रखा है। दोस्तों ये ना भूलें, जो सपना आपने देखा है, आपके माता पिता ने देखा है, उस सपने को पूरा करने का सही वक्त आ गया है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट के लिए दोस्तों आपके पास सफिशियंट टाइम है। जेईई मेंस में अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो थर्ड अटेम्प्ट के लिए आपके पास है सफिशियंट टाइम। इतने एफर्ट्स डालने से ही अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, तो आपको जरूर डालने चाहिए दोस्तों इतने एफर्ट्स। ये एफर्ट्स आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, देखना आपके मार्क्स में ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी अगर आप 45 डेज में हमारे साथ बने रहेंगे। इस प्लानर को हमें फॉलो करना है। आज तो मुझे इतना ही कन्वे करना था। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के साथ कल शुरुआत होगी, तो आना ना भूलें। आज क्लासेस स्टार्ट हमने इसलिए नहीं की क्योंकि हमें प्लानर को डिस्कस करना था। काफी सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी, सर सबसे पहले प्लानिंग बताइए उसके बाद क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। तो देखिए आज हमने हमारी प्लानिंग को डिस्कस कर लिया है, तो कल से केमिकल काइनेटिक्स से ही एक नए सफर की शुरुआत करेंगे, पुरानी सारी बातें भूलते हुए। उम्मीद है आप पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरी हिम्मत के साथ मेहनत करेंगे। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे तो दोस्तों रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। चलिए आज इस सेशन में इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। 9 बजे आना ना भूलें, 9 बजे होगी रसायन लीला। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।